हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी बस। जस्ट अभी मैंने देखा जवान का ट्रेलर। जैसे कि कल एक इवेंट हुआ था, ग्रैंड इवेंट हुआ था, मतलब तमिलनाडु में, मतलब जवान का प्रीलिज इवेंट हुआ था। उसके बाद सब लोगों को पता है 31st को अनाउंस होगा। आज जस्ट अभी 11:30 ये रिलीज हो गया है और जस्ट मैंने अभी भी देखा। बात करेंगे ट्रेलर कैसा था, बिकॉज जवान इज द मोस्ट अवेटेड मूवी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ट्रेलर में जो मेन जो पिलर है ट्रेलर में, एकदम शाहरुख खान जी भी है भाई, पूरा अंगार मनोपुत। ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान को देख के क्या भाई कितने अवतार है, डिफरेंट इसमें डिफरेंट लुक है उनका। और मैंने जैसे कि आपने टीजर में देखा था एक टकला वाला लुक है, वो एक मतलब फाड़ दिया ये ट्रेलर में, तो उनको फाड़ दिया। क्योंकि कुछ सीन में मतलब एक डिमांड होता है, क्योंकि हाईजैक होता है, मतलब ट्रेन को हाईजैक करते हैं शाहरुख खान, और वहाँ पे नयनतारा जी है वो पुलिस ऑफिसर रहती है, तो उनसे पूछते हैं क्या चाहिए आपको, सडनली बोलते हैं ना आलिया भट्ट। तो भाई विजिल से विजिल थिएटर, मुझे तो लगता है विजिल है। और जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो गैंग होते हैं लेडीज के, वो भी बहुत अंगार। इसमें जो फाइट सीक्वेंस है और एक्शन सीक्वेंस है ना, मुझे तो लग रहा है पठान से ही बढ़कर ये मूवी में एक्शन सीन्स होने वाले हैं भाई। कुछ तो पठान को तो आप भूल ही जाएंगे, पठान तो बस मतलब ऐसा लग रहा है कि जवान पठान का बाप है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज जो अटली ने ट्रेलर काटा है और दिखाया, मतलब कुछ रिवेंज स्टोरी है, मतलब आपने ट्रेलर देखिएगा तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा क्या स्टोरी है, क्योंकि डबल रोल भी है शाहरुख खान का। कुछ लोग बोले थे ट्रिपल रोल है, नहीं ओनली डबल रोल है। और बात करें विलन जो हमारे विजय सेतुपति का जो एंट्री होता है ना, वो भी बहुत फाड़ू है फाड़ू, क्योंकि वो उनका यंगर जनरेशन में भी दिखाया और ओल्ड लुक में भी दिखाया। मतलब पठान में शाहरुख खान को यंग में भी दिखाया और ओल्ड में भी दिखाया, मतलब कुछ अलग ही रिवेंज स्टोरी होने वाली है। और मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी जस्ट एक हफ्ता ही बाकी है 7 तारीख को, और नयनतारा का भी और सबका एक अच्छा मतलब एक लुक दिखाया है और अच्छा एक थोड़ा पार्ट दिखाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबका सीन्स देख के। और ट्रेलर में मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जब भी बड़ा शाहरुख खान बोलते हैं, मतलब एक बाप बेटे को एक बार छूने से पहले बाप से गुजरना पड़ेगा, ऐसा कुछ डायलॉग है, मुझे तो बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा डायलॉग सुन के। तो आपको कैसा लगा, अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिलते हैं डायरेक्ट रिव्यू में जवान के। तब तक बाय।